सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जहाँ सूर्य की किरण हो वही प्रकाश होता है और जहाँ प्रेम की भाषा हो वही परिवार होता है। राह संघर्ष के जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सूर्य बनकर वही निकलता है। कल से सीखें, आज के लिए जिए, कल के लिए उम्मीद करें, क्योंकि आज है जो वही सच है, कल जो होगा वो उम्मीद होगी। आज का पंचांग 11 अक्टूबर 2021 दिन सोमवार, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, रात्रि 11:50 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। ज्येष्ठा नामक नक्षत्र दोपहर 12:56 तक रहेगी। इसके उपरांत मूल नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:52 से 9:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:50 से 12:36 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर दोपहर 12:56 तक रहेगी। इसके उपरांत धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। मेष राशि 11 अक्टूबर 2021 दिन सोमवार, अपना ही विनाश करने वाले व्यवहार से बचें जो अभी आपको आकर्षक लग सकता है। चिंताओं के बीच अपनी सेहत का ध्यान रखें। अपने दादा दादी या बुजुर्गों से मिलने जुलने के लिए समय निकालें। वे आपको उन आध्यात्मिक विचारों से जुड़ने में मदद कर सकती हैं जिन्हें आप ढूंढ रहे हैं। नए विचार और आविष्कार जीवन में उत्साह लेकर आएंगे। सबसे मिलना और उत्सव जीवन में प्यार का रंग ले आ रहे हैं। जल्दी में नई योजनाओं को बनाएं और जीवन का मजा लें। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं यह बात ज्यादा मायने रखती है इस बात से कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। आज कड़ी मेहनत और परीक्षा का समय है परंतु आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। बुजुर्गों का स्नेह व आशीर्वाद आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी रहेगी। परिवार की सुख सुविधाओं के प्रति भी आपका पूरा योगदान रहेगा। अपनी गलतियों का एहसास होने के बाद भी नकारात्मकता के कारण बदलाव लाना कठिन महसूस हो रहा है। खुद की अपेक्षाएं अधिक रहेगी लेकिन अपेक्षाओं के अनुसार काम ना होने की वजह से थोड़ी नाराजगी रहेगी। जो बातें मन के मुताबिक नहीं हो रही है केवल उन पर ध्यान देने की वजह से नकारात्मकता बढ़ रही है। बड़ा औषध दोबारा नहीं मिलेगा इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए गंभीरता से काम करना होगा। प्रेम संबंधों और रिलेशनशिप को अधिक महत्व देने की वजह से मुख्य उद्देश्य से भटक रहे हैं। शरीर में बढ़ती गर्मी थोड़ी तकलीफदायक रहेगी। अल्सर जैसी तकलीफ भी हो सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, अकारण ही मन में उदासी जैसी स्थिति महसूस हो सकती है। नजदीकी मित्रों अथवा रिश्तेदारों के साथ किसी प्रकार की गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है इसीलिए संबंधों को खराब ना होने दें। बच्चों की गतिविधियों को भी नजरअंदाज ना करें। बात करते हैं लव लाइफ की। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी तथा मनोरंजन और आमोद प्रमोद में भी समय व्यतीत होगा। आप अपने खास रिश्ते को अभी रहस्यमय रखना चाहते हैं और दुनिया की नजरों से बचकर इन पलों का मजा लेना चाहते हैं। एक दूसरे से सब कुछ शेयर करें ताकि आप दोनों का एक दूसरे पर विश्वास बढ़ जाए और जीवन में किसी तरह की खट्टास ना आए। अच्छा, आपके दिमाग से कुछ नए और रोमांटिक विचार हैं जिनसे आप उत्तेजित महसूस करेंगे। परिवार में तकरार आपके हौसलों को कम कर सकती है लेकिन आप सब कुछ अच्छे से संभाल लेंगे। मतभेदों को अलग रखकर अपनी प्यार का साथ दें। प्यार का इंद्रधनुष आज आपके लिए गुलाबी दिन लेकर आया है, इसका पूरी तरह से आनंद लें। बात करते हैं करियर की। धन के व्यय दीर्घकालीन निवेश आपको लाभ का पात्र बना सकता है। भावनात्मक रूप से कमजोर महसूस करेंगे। अपने व्यवसाय में परिवर्तन करने के लिए आज का वक्त शुभ है।
सपने और विचार तब तक अदृश्य रहते हैं जब तक आप उन्हें पाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करते। नए विचार और कल्पनाएं आपके जीवन को सवार देंगे। कोई महत्वपूर्ण यात्रा आपके शेड्यूल या दिनचर्या में बदलाव ला सकती है। अपने जीवन में रंग भरने के लिए अपने दोस्तों से मिले और उनके साथ समय बिताएं। जोखिम लेने से पीछे न हटे क्योंकि विजेता कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी नहीं जीतते। व्यापार में काम या प्रोडक्ट की क्वालिटी को सही बनाकर रखें। छोटी गलती की वजह से बड़ा ऑर्डर छूट सकता है या कोई डील कैंसिल हो सकती है। नौकरी में ऑफिस का माहौल शांतिपूर्ण बना रहेगा। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा परंतु ब्लड प्रेशर संबंधित अपना विशेष ध्यान रखें। खान पान का उचित ख्याल रखें, टाइम पर खाना खाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।